वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी, आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो ये आज मैं मैकरोनी से बनाने वाली हूँ, कुरकुरे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, उन्हें लाजमन पसंद आएंगे। तो जी चलें शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन, उसमें डाल लिया थोड़ा सा पानी, जिसमें हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। अब पानी को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, जब पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें अपनी मैक्रोनी डालेंगे। उतनी मैक्रोनी डालनी है जितनी कि आप इजीली खा सकें, चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो कोई भी। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मज़ेदार सी। ऐसी छोटी छोटी सी रेसिपीज़ जो हैं वो आप ट्राई करते रहा करिए, बहुत दिल को खुशी मिलती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना के। ऐसे जब बच्चों को खुश देखते हैं तो माओं को भी खुशी होती है। खुशियां जो है हम तो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश किया करें कि खुशियाँ बांटें। अल्लाह पाक सबको शादो आबाद रखे, खुश रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो जी यहाँ पे पानी में जो है बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी या जो भी आप तेल डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया है। इसके बाद डालूंगी इसमें तकरीबन एक टी स्पून भर के नमक, ताकि मैक्रोनी में जो है नमक ऐड हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टी स्पून नमक। अब इसमें डाल देंगे मैक्रोनी। जी इसमें मैक्रोनी शामिल कर दिया। अब इसे मैक्रोनी को बॉईल होने देंगे। जब मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और ठंडे पानी में उतार लेंगे, ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपके नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मैक्रोनी को। तो जी मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो चुकी है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त की बॉईल हुई है। अब इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, इसका पानी जो है छान लेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया, उसमें मैक्रोनी को स्ट्रेन कर लेंगे, इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल देंगे सारा। अब इसे ठंडे पानी से निथार लेंगे, ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो ठंडी हो जाए। गर्म मैक्रोनी जो है वो बहुत जल्दी चिपक जाती है आपस में, ठंडी होकर मैक्रोनी चिपकती नहीं है जल्दी। मैक्रोनी को ठंडा करने के लिए हम ठंडे पानी से निथारेंगे। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे, ताकि इसमें से जो पानी है वो निचड़ जाए अच्छे से। बिल्कुल हमें ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा निचोड़ना बस। तो जी यहाँ पे एक बाउल लिया, उसमें मैक्रोनी देखिए हमने इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया, बिल्कुल खुश्क नहीं किया मैक्रोनी। आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी अभी गीली है। अब इसमें मैं डालूंगी चिली सॉस तकरीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून डालूंगी। मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डाल लूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून काली मिर्चें। काली मिर्चों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं अपने हर खाने में काली मिर्च लाजमी डालती हूँ। और वैसे भी काली मिर्चें जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लाल मिर्चें जो वो थोड़ी अवॉइड किया करें, उसकी जगह काली मिर्च इस्तेमाल किया करें। तो जी यहाँ पे मैंने लिया मैदा, मैदा मैं डालूंगी 2 चम्मच, 2 चम्मच भर के मैदा डाल लूंगी। उसके बाद मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर भी मैं डालूंगी 2 चम्मच। तकरीबन दोनों की बराबर क्वांटिटी रखनी है, मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है वो इक्वल क्वांटिटी में डालना है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा पाउडर है वो तमाम मैक्रोनी में अच्छे से लग जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे,
मिक्रोनी का जो स्टिकी पन है वो ख़त्म हो जाए, इस तरह इसलिए हमने ये पाउडर जो है वो डाला है, और इससे जो है वो क्रिस्पी भी होगी बहुत ज़्यादा। इस तरह से शेक करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से जो है अच्छी तरह से हो नहीं रही थी, तो इस तरह शेक करेंगे तो ईजिली पाउडर जो है वो सारी मिक्रोनी में लग जाएगा, और जो मिक्रोनी आपस में चिपकी हुई है वो भी उतर जाएगी, और उन पर भी कॉर्नफ्लोर ये जो पाउडर है वो लग जाएगा अच्छे से। तो जी ये देखिए हमारा पाउडर जो है वो कितना ज़बरदस्त था मिक्रोनी पे चिपक चुका है, मिक्रोनी तमाम अलहदा अलहदा हो चुकी है। इसी तरह हमें चाहिए थी, ये फ्राई करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हमें एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें इतना ऑयल डालेंगे कि हमारी मिक्रोनी जो है वो डीप फ्राई हो सके। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मिक्रोनी का एक दाना डाल के देखेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो जी ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बाकी की मिक्रोनी भी डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जो मिक्रोनी चिपकी हुई है वो अलहदा हो जाए, और जो हमारे कुरकुरे हैं वो हमें अलहदा अलहदा मिले हैं चिपके हुए जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसे अच्छे से हिला देंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो जी ये गोल्डन ब्राउन देखिए कितना ज़बरदस्त है, हमारे मिक्रोनी जो है वो मिक्रोनी कुरकुरे जो हैं वो तैयार हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा साउंड कर रहा है, कितनी यमी लुक आई है हमारी मिक्रोनी की। तो जी मिक्रोनी कुरकुरे जो हैं वो तैयार हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मिक्रोनी कुरकुरे किस तरह कैसे लगे। बाज़ार के कुरकुरे तो आपने बहुत खाए हैं, आप ज़रा घर के भी कुरकुरे बना के देख लीजिए। घर की चीज़ का ये है कि हमें भरोसा होता है कि हमने साफ़ सुथरे चीज़ें इस्तेमाल की हैं, बिल्कुल साफ़ है, हाइजेनिक है, बच्चों के लिए सेफ़ है। तो जी आप लोग भी ट्राई करिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जी फिर मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।